नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूँ इस चैनल पे। आज हम लोग पेडागोजी का सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 2013 का जुलाई महीना का जो पेपर था, पेपर टू, उसका 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 2013 का जुलाई महीना में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो हम लोग सीटेट का जितना प्रीवियस ईयर है पेडागोजी सेक्शन का, उसको हम लोग डिस्कशन का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। उसी कड़ी में आज क्लास नंबर 18 होगा, ठीक है। इससे पहले 17 क्लास हो चुका है। पेपर वन का जितना भी क्वेश्चन पेपर था 2011 से लेकर 19 तक, उसका डिस्कशन भी हो चुका है। और पेपर टू हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज 2013 का जुलाई महीना का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिक ऑफ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी का क्रिटिक क्या है? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आपको हार्वर्ड गार्डनर ने दिए थे, हार्वर्ड गार्डनर, और उनके हिसाब से 9 टाइप का इंटेलिजेंस दिए थे। और जिसका ट्रिक मैं बताया था आप सभी को याद करने के लिए, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। उसका ट्रिक है LLM, किसने, KIKIISNE, आपको इस तरह लिखना है LLM किसने। L से आपको उन्होंने बताया था क्या, L फॉर लिंग्विस्टिक, L फॉर लॉजिकल और M फॉर म्यूजिकल हो गया, K फॉर काइनेस्थेटिक, I फॉर इंट्रापर्सनल और I से इंटरपर्सनल, और बाकी आपको बच गया S से स्पेटियल और N से नेचुरलिस्टिक और X से एग्जिस्टेंशियल, ठीक है। ये इनके हिसाब से इंटेलिजेंस का टाइप था। और वो बोले थे कि 9 टाइप तो है लेकिन इसके सिवा भी हर बच्चे में इंटेलिजेंस अलग अलग हो सकता है। तो देखते हैं वहाँ पे क्रिटिक यहाँ क्या दिया है। मल्टीपल इंटेलिजेंस आर ओनली द टैलेंट प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस एज होल। मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोवाइड स्टूडेंट टू डिस्कवर प्रोपोर्शंस, इट ओवर एम्फसाइज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इट कैनॉट बी सपोर्टेड बाय द एम्पिरिकल एविडेंस एट ऑल। तो यहाँ पे आपको क्रिटिक बताना है, इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय एम्पिरिकल एविडेंस एट ऑल। ये जो बोल रहा है अभी आपको सही नहीं मान सकते हैं। ऑप्शन टू जो है ये गलत है और ऑप्शन थ्री जो है गलत है। अब आपको बचा है ऑप्शन वन और ऑप्शन फोर में से आपको चूज करना है कौन सा सही होगा। तो एक हद तक देखिए कि ऑप्शन वन जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है, यहाँ ओनली लग गया, और बाकी यहाँ पे ऑप्शन फोर में दिया है इट कैनॉट बी सपोर्टेड बाय एम्पिरिकल एविडेंस, ये भी बात गलत है। लेकिन जो यहाँ पे वन है ये उनका बड़ा क्रिटिक था, मल्टीपल आंसर ओनली द टैलेंट प्रेजेंट इन द इंटेलिजेंस एज अ होल, ये बात जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हम लोग मानना पड़ेगा। तो वन यहाँ सही आंसर होगा। आगे चलेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लीस्ट लाइकली टू मैच, इसमें कौन सा मैच सबसे कम हो रहा है। तो चिल्ड्रेन एंटर इन द वर्ल्ड विद अ सर्टेन नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज, ये बात भाई आपको चम्स्की बोला है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। तो ये बात सही है, बच्चे के पास जो ज्ञान है वो जन्मजात होता है, चम्स्की ने बोले थे। तो उस तरह देखा जाएगा तो ऑप्शन वन यहाँ पे सही हो सकता है, और बाकी टू भी यहाँ पे सही है कि लैंग्वेज और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलता है, 2 साल के बाद अलग हो जाता है। और भी प्याजी बोले थे लैंग्वेज इज कंटिजेंट ऑन थॉट, पहले मैं थॉट पहले आता है बाद में लैंग्वेज आता है, ये भी सही है। लैंग्वेज इज ए स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट, ये जो बात गलत है, री इन्फोर्स है, स्टिमुलाई नहीं है बी एफ स्किनर के हिसाब से। तो यहाँ पे लिस्ट बोला था तो इसलिए हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन फोर, जो कि बी एफ स्किनर ये बात नहीं किए थे, लेकिन बाकी जो यहाँ पे दिया है वो सब थियोरिस्ट लोग ये बात किए थे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पे सही होगा। आगे चलेंगे, फीचर्स असाइन ड्यू टू सोशल रोल नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल रोल आर कॉल्ड, जो सोशल रोल के हिसाब से फीचर जो मिलता है उसको हम लोग जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं, यानी जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, जो ऑप्शन नंबर थ्री है ये सही होगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर चार पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू मैक्सिमाइज लर्निंग, लर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए कौन सा एप्रोप्रिएट हो सकता है। देखिए, टीच स्टूडेंट आइडेंटिफाई हर कॉग्निटिव स्टाइल एज वेल एज हर स्टूडेंट कॉग्निटिव स्टाइल, ये ऑप्शन सही हो सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंस इज स्टूडेंट शुड बी स्मूथली पेयर, ये भी गलत बोल रहे हैं, यहाँ पे ओनली लग गया नहीं होगा। बाकी स्टूडेंट सिमिलर कल्चर बैकग्राउंड शुड बी केप्ट, अलग रखना है, अलग धलग रखना नहीं होता है। ऑप्शन वन जो है सबसे बेस्ट यहाँ पे अप्रोप्रिएट बात हो सकता है मैक्सिमाइज करने के लिए लर्निंग को। आगे चलें क्वेश्चन नंबर पाँच पे, यहाँ पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग, देखिए असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट फॉर, असेसमेंट एज लर्निंग होता है। असेसमेंट एज लर्निंग आपको पीयर असेसमेंट यानी सेल्फ असेसमेंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही नहीं है ये आपको बोला जा रहा है। टेलिंग स्टूडेंट टू टेक इंटरनल फीडबैक, स्टूडेंट को एक्सटर्नल फीडबैक के लिए कहा जाए। देखिए वन टू थ्री यहाँ पे सही है, और डायरेक्टली हम लोग टेस्टिंग स्टूडेंट एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, यहाँ टेस्ट करना असेसमेंट का कोई भी मकसद नहीं था और है भी नहीं, और यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, व्हेन ए कुक टेस्ट ए फूड ड्यूरिंग द कुकिंग इट मे बी ए स्किन ऑफ, यदि खाना बनाते समय कोई कुक पर्सन टेस्ट कर रहे हैं तो इससे क्या दर्शा रहा है, यानी वो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो रहा है यहाँ पे, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी खाना बनाते के दौरान हो रहा है, यानी उसमें सही होने का एक्शन मतलब चांसेस है, ड्यूरिंग हो रहा है मतलब बनाने का वक्त हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू जो है सही है क्योंकि इसमें करेक्शन का चांसेस है।
डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, जहाँ पे यूजिंग ए वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग टू मीट स्टूडेंट नीड्स, अलग अलग ग्रुपिंग करके स्टूडेंट का नीड को पूरा करना, कोई हम लोग डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही है, बाकी डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन का मतलब नहीं होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। इन कल्चरली एंड लैंग्वेस्टिकली डाइवर्स क्लासरूम, बिफोर डिसाइडिंग वेदर द स्टूडेंट कम अंडर द स्पेशल कैटेगरी एजुकेशन कैटेगरी टीचर शुड, तो कल्चरली और लैंग्वेस्टिक डाइवर्स क्लासरूम में पहले डिसाइड करने से पहले टीचर को क्या कर सकता है, सेग्रीगेट करना नहीं होता है, यूज स्पेशलिस्ट साइकोलॉजी ये भी नहीं करना होता है, नॉट इन्वॉल्व पेरेंट्स पेरेंट्स टू देयर होमवर्क ये भी नहीं बात गलत है, इवेल्युएट स्टूडेंट हिज और हर मदर टंग टू एस्टेब्लिश डिसेबिलिटी, बच्चों को मदर टंग यूज़ किया कर सकता है टीचर, ठीक है, जो कि यहाँ पे सही आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे 8 नंबर के लिए 2 नंबर सही है। आगे लर्निंग डिसेबिलिटी में ओकर ड्यू टू द ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, लर्निंग डिसेबिलिटी सबसे हो सकता है, एक से नहीं हो सकता है, यानी किससे नहीं हो सकता है, टीचिंग वे ऑफ टीचर्स वे ऑफ टीचिंग से लर्निंग डिसेबिलिटी बिल्कुल नहीं हो सकता है, बाकी यहाँ पे डिसेबिलिटी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। आगे इंक्लूसिव एजुकेशन रिफ्लेक्ट ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किस पे इंक्लूसिव एजुकेशन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है देख लेते हैं। डू बिलीव इन द स्टडी कर रहा है यहाँ पे, ग्रुपिंग यहाँ पे है भी कर रहे हैं। डू वी प्रोवाइडली सेग्रेट स्पेशल चिल्ड्रन फ्रॉम नॉर्मल टू प्रोवाइड बेटर केयर, सेग्रीगेट जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का कभी भी मकसद नहीं रहा, और यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा रहा है, इसलिए हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। गिफ्टेड स्टूडेंट और क्या होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट हमेशा डाइवर्जेंट होते हैं, कन्वर्जेंट नहीं होते। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, डाइवर्जेंट होते हैं, जिसका IQ 140 प्लस होता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट। द स्टेडर्ड एरिया रिप्रेजेंट स्टूडेंट इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हु फॉल, तो ये आपको याद रखना है, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है, लेकिन ये बात याद रखिए, हाई क्रिएटिविटी हाई मोटिवेशन हाई इंटेलिजेंस, ये आपको क्रिएटिव स्टूडेंट यानी डाइवर्जेंट लर्नर का करेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो है एक कौन सा रिलेशन दर्शा रहे हैं, तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है इसका आंसर, इसका सही आंसर आपको याद रखना ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, आफ्टर 3 सिग्मा जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे चलेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड बी मोस्ट अप्रिपियट चूज टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन क्या होते हैं, रिकॉल होते हैं, फॉरगेट होते हैं, मेमोराइज होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है चिल्ड्रेन लर्न फास्टर व्हेन दे इन्वॉल्व इन द, बच्चों ज़्यादा फास्ट जल्दी सीखते हैं जब वो रियल लाइफ में सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। आगे चलेंगे, CBSE प्रिस्क्राइब ग्रुप एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट इन प्लेस ऑफ एक्टिविटी फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट, द आइडिया बिहाइंड ग्रुप एक्टिविटी क्यों CBSE लाया है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, टू ओवरकम द नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स टू द इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन व्हिच इज जनरलाइज अक्रॉस लर्निंग टू मेक इट इजी, टीचर इजर एजी करने का कोई मकसद नहीं है, रेशनलाइज द टाइम अवेलेबल इन स्कूल मस्ट डू इंडिविजुअल इनफ ये भी नहीं है, रिड्यूस द इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट ये भी नहीं है। ऑप्शन 1 मुझे सही लग रहा है, टू ओवरकम द नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स टू द इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन व्हिच मे बी जनरल अक्रॉस लर्निंग, जो कॉम्पिटिशन जो है उसको हटाना मेन मकसद है इसका, बाकी ऑप्शन जो दिया वो कोई काम का नहीं है, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है। आगे चलेंगे, द कंक्लूजन चिल्ड्रेन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिस्पाइट इन द मूवी, ऐसा कौन सा थ्योरी थ्योरिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बोले हैं कि बच्चों को जैसा सिखाएगा वैसा ही सीख लेते हैं, ये आपको एल्बर्ट बंदूरा का थ्योरी में मिलेगा आपको, सही आंसर होगा यहाँ एल्बर्ट बंदूरा, कि चिल्ड्रेन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिस्पेक्ट इन द मूवी मे बी डिराइव फ्रॉम बेसिस ऑफ द डन, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, आपको इनको थ्योरी पता होगा, सोशियो लर्निंग थ्योरी दिए थे एल्बर्ट बंदूरा। आगे चलेंगे, स्टूडेंट ऑब्जर्व फैशन शो एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स, दिस काइंड ऑफ इमिटेशन इज कॉल्ड, बच्चों फैशन शो देखते हैं और उसको इमिटेट करते हैं, यानी सोशियल लर्निंग यहाँ पे कर रहा है बच्चा लोग, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है, प्राइमरी सेकेंडरी यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ऑप्शन 3 यहाँ सही है। इफ स्टूडेंट रिपीटेडली मेक इरर ड्यूरिंग लेसन टीचर शुड, बच्चा रेगुलरली मिस्टेक कर रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए, मेक चेंज इन इंस्ट्रक्शन टेक्स टाइम टेबल एंड सेटिंग एंगेजमेंट, बच्चों का टाइम टेबल सेटिंग एंगेजमेंट में चेंज करके ऐसा कर सक ठीक किया जा सकता है, लीव कर नहीं करना है, आइडेंटिफाई भी नहीं करना है, स्टूडेंट को आउटसाइड भी नहीं रखना है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। फॉलोइंग आर सम टेक्निक टू मैनेज एंगजाइटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट, कौन सा एंगजाइटी ठीक करने का तरीका हो सकता है, देखिए एम्फसाइजिंग स्ट्रेंथ सीकिंग सपोर्ट थिंकिंग सुमन, ज़्यादातर रिजल्ट पे हम सोचते हैं तो ही टेंशन होता है, तो ऐसा करके और तो प्रॉब्लम में डालना नहीं होता है, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है, गलत पूछा था तो गलत यहाँ पे ठीक है, 2 ही सही है हम लोग के लिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किसका हायरार्किकल है, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव का, आपको पता है ब्लूम्स के हिसाब से 3 होता है, कॉग्निटिव एफेक्टिव साइकोमोटर या फिर कॉग्निटिव, तो उसमें पूछा है तो यहाँ पर 4 आंसर सही है। ABC आर 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट है ABC इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ए फाइन इंटरेस्टिंग एंड थिंक इट विल बी हेल्पफुल हर फ्यूचर, ए सोच रहा है कि अबाउट इंटरेस्टिंग और उसको फ्यूचर में हेल्प हो सकता है, यानी वो मास्टरिंग करना चाहता है, तो देखते हैं ऑप्शन 2 नहीं होगा और 3 नहीं होगा, ऑप्शन 1 और 4 होगा।
बी क्या कर रहा है, बी स्टडी इंग्लिश एस सी वन टू स्क्वायर फर्स्ट रैंक इन द क्लास। बी इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि उसको फर्स्ट रैंक मिले यानी परफॉर्मेंस करने के लिए, और सी पढ़ रहा है क्योंकि उसको सी स्टडी इट सी प्राइमरी कॉन्सर्न इज ग्रेट ग्रेट का ज़्यादा फोकस कर रहा है सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन होगा क्योंकि सबसे मास्टरी उसका परफॉर्मेंस अवॉर्डेंस से डर से मतलब कोई ग्रेड मिल जाए इसलिए सी काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सीक्वेंस होगा हम लोग का मास्टरी परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस अवॉर्डेंस। यहाँ पे परफॉर्मेंस पहले आ गया तो नहीं होगा इसलिए ऑप्शन वन यहाँ पे सही है। आगे इवन दो दिस इज क्लियरली इन द वायलेशन ऑफ हिज सेफ्टी नीड्स कैप्टन विक्रम बत्रा डाइड फाइटिंग इन द कारगिल वॉर व्हाइल प्रोटेक्टिंग हिज कंट्री। कैप्टन विक्रम बत्रा मरते लड़ते रहते मर गए कारगिल वॉर में। तो ए आपको इस क्या दर्शा रहा है यानी सेल्फ एक्सलेशन जो है आत्म सिद्धांत के प्रति बहुत निष्ठावान दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू है आपको मेस्लो का थ्योरी हायरार्किकल नीड है उसके हिसाब से जाएंगे तो सेल्फ एक्सलेशन लास्ट स्टेज होता है जो कि आदमी सोसाइटी के लिए समाज के लिए बहुत कुछ करते रहता है करता है उसका खुद का वहाँ पे सेल्फिश नहीं रहता है। तो ऑप्शन टू यहाँ सही है। एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्स इज मोर डिफिकल्ट फॉलोइंग। एक्सटेंशन ऑफ ए रिस्पॉन्स इज मोर डिफिकल्ट किसमें एक्सटेंशन रिस्पॉन्स डिफिकल्ट होता है पनिशमेंट और वेरिएबल होता नहीं। आपको आंसर लगाना है या तो ऑप्शन वन या तो टू। तो देखिए आपका पार्शियल रिइंफोर्समेंट क्या होता है यानी पार्शियल रिइंफोर्समेंट और रिइंफोर्समेंट होता है जो कि रेगुलरली बेसिस पर नहीं दिया जाता है समय कभी कभी दिया जाता है यानी बच्चा अच्छा काम किया है कभी अच्छा ग्रेड पाया तो उसको रिइंफोर्स दिया जाता है और कंटिन्यूस बेसिस पे। तो किसको एक्सटेंशन करना कठिन होता है आपको कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट को हटाना बहुत कठिन होता है। ऑप्शन नंबर टू यहाँ सही है। आगे चलेंगे मास्टरी ओरिएंटेशन कैन बी एनकरेज बाय। मास्टरी ओरिएंटेशन कैसे एनकरेज किया जा सकता है कंपेयर करके नहीं असाइनिंग प्रैक्टिकल वर्क करके नहीं अनएक्सपेक्टेड करके नहीं इंडिविजुअल एफर्ट को फोकस करके मास्टरी ओरिएंटेशन को एनकरेज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर सही है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच यहाँ पर कौन सा सही मैच है। देखिए इमोशनल मैच्योरेशन नहीं है सोशल जो है आपका इन्वायरमेंट सोसाइटी इन्वायरमेंट में होता है ये करेक्टली मैच से कॉग्निटिव मैच्योरेशन नहीं है और फिजिकल इन्वायरमेंट भी नहीं है। यहाँ पर थ्री नंबर ऑप्शन थ्री यहाँ सही होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इंडिकेट दैट चिल्ड्रेन इज इमोशनली एंड सोशली फिट इन द क्लास एक्सेप्ट। कौन सा यहाँ पे गलत आपको बताना है। देखिए मैनेज बहुत एंगर एंड जॉय सही है कॉन्सेंट पर्सन ऑन द कॉम्पिटिशन ऑफ पीयर कॉम्पिटिशन करना नहीं होता ऑप्शन फोर यहाँ पे होना चाहिए। डेवलप गुड रिलेशनशिप भी सही है और कॉन्सेंट्रेट ऑन परसिस्ट विद चैलेंजिंग टास्क भी सही है। ऑप्शन फोर हम लोग के लिए सही होगा क्योंकि यहाँ एक्सेप्ट पूछा था कौन सा यहाँ पे गलत पूछा था। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट परसिस्टेंटली ऑन द कॉम्पिटिशन करना मकसद नहीं होता है तो ऑप्शन फोर यहाँ पे सही है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट रोल ऑफ एनवायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। कौन सा यहाँ पे इन्वायरमेंटल रोल को सपोर्ट किया कर रहा है। सम स्टूडेंट क्विकली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन वाइल अदर इन द सेम क्लास डू नॉट ए बोला जा रहा है। देर इज बीन स्टडी इंक्रीज इन स्टूडेंट एवरेज परफॉर्मेंस ऑन आई क्यू इन द लास्ट फ्यू डिकेस। ऑप्शन टू जो है यहाँ पे सही दर्शा रहा है इन्वायरमेंट का रोल बाकी यहाँ पे इन्वायरमेंट का रोल नहीं दर्शा रहा है ठीक है हेरिडिटी का रोल दर्शा रहा है। ऑप्शन टू यहाँ सही है। आगे चलेंगे सोशलाइजेशन इंक्लूड कल्चरल ट्रांसमिशन एन क्या सोशलाइजेशन क्या इंक्लूड करता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे सोशलाइजेशन कल्चरल ट्रांसमिशन और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को दर्शाता है तो ऑप्शन यहाँ पे टू सही है। सोशलाइजेशन उसको बोलते हैं जो भी हम लोग वैल्यूज बिलीव्स एटीट्यूड जो भी सोसाइटी से एक्सेप्ट करते हैं एक्वायर करते हैं उसको हम सोशलाइजेशन बोलते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू सही है। आगे चले और दो क्वेश्चन बचा हुआ है। ए टीचर शो टू आइडेंटिकल ग्लास फिल्ड विद द इक्वल अमाउंट ऑफ जूस इन द इन डैम सी एम्प्टी डैम इन टू डिफरेंट ग्लासेस ऑन वन ऑफ द टॉलर एंड अदर वाइडर सी एक्स टू क्लासीफाई व्हिच ग्लास वुड बी मोर जूस स्टूडेंट रिप्लाई द टॉलर ग्लास इज मोर जूस हर स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन डीलिंग। यहाँ पे बच्चा डिसेंट्रलाइज कर नहीं पा रहा है यानी दो ग्लास देखिए अलग अलग करने के बाद उसको क्लासीफाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है यानी दो चीज़ को सेंट्राइज नहीं कर पा रहे यानी डिसेंटरिंग प्रॉब्लम बच्चा में है तो ये जीन पियाजी के थ्योरी में आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पे सही है। बड़ा सा क्वेश्चन था लेकिन आंसर कितना आसान है। कर्नल सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीड्यू एंड एक्सपेंसेस ही थिंक दैट ही कैन नॉट सपोर्ट अ करप्ट गवर्नमेंट व्हिच स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपी इन बिल्डिंग अननेसेसरी डैम्स इज प्रोबेबली व्हिच स्टेज ऑफ कोल्ड वॉर स्टेज ऑफ वॉर डेवलपमेंट। तो लास्ट स्टेज में लास्ट का जो पाँचवा नंबर स्टेज है उसमें है यानी पोस्ट कन्वेंशनल जो है यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू। और पोस्ट कन्वेंशनल भी कौन सा स्टेज होगा तो ऑप्शन नंबर फिफ्थ वाला होगा ठीक है। तो आगे चलेंगे और 30 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इंटेलिजेंस थ्योरी इनकॉर्पोरेट मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द इंटेलिजेंस मेंटल कंपोनेंट आर ऑल वेराइट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस टेक क्रिएटिव इंटेलिजेंस ये कौन सा थ्योरी में आपको मिलेगा। तो देखिए एक्सपेरिमेंट जी फैक्टर स्टेनबर्ग ट्रायर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस
और सेवन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थर्नस्टन प्राइमरी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, तो कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर टू। आपको स्टेनबर्ग ट्रायड की थ्योरी के हिसाब से ये जो ऑप्शन क्वेश्चन दिया है वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो है सही आंसर होगा। इंटेलिजेंस थ्योरी इनकॉर्पोरेट मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इंटेलिजेंस मेटा कंपोनेंट जो है एंड ब्राइट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस कैन टेक प्लेस, एक किस में किस थ्योरी में टेक प्लेस होता है? तो ये आप स्टेनबर्ग ट्रायड की तीन टाइप दिए थे उसका ट्रिक आपका है एसीपी या सीईसी से याद कर सकते हैं उनका थ्योरी का नाम जो दिए थे स्टेजेस। तो ये रहा 38 क्वेश्चन। इस प्रकार हम लोग जुलाई 2013 पेपर टू का जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, आगे नेक्स्ट सीरीज़ कंटिन्यू करते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच।